नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ वड़ा पाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे और आसान सी रेसिपी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वड़ा पाव की रेसिपी के लिए ले लेंगे 7 से 8 उबले हुए आलू, थोड़ी सी सरसों के दाने, करी पत्ता, यह थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी चिली फ्लेक्स और यह है भुना हुआ जीरा और इसमें थोड़ा सा है हींग। उबले हुए आलूओं को रफली मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों के तेल, उसमें डाल देंगे राई के दाने, साथ में डाल देंगे करी पत्ता और डाल देंगे मैश किए हुए आलूओं को, देंगे कसूरी मेथी और उसमें अब डाल देंगे थोड़े चिली फ्लेक्स, हींग को भी डाल देते हैं साथ में, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा पाउडर और नमक, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी। अब इन आलू के मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए भूनेंगे जिससे कि मसाले हमारे जो आलू के साथ बहुत अच्छे से भूनते चले जाएंगे। आलू अब अच्छे तरीके से भून चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब चाट मसाला और साथ ही इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरा धनिया की पत्तियाँ और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक साइड रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब वड़ा छानने के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक छोटे बोल से ले लेते हैं बेसन और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हल्दी और साथ ही इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका स्मूथ सा घोल तैयार करेंगे। ये बेसन का घोल ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा ना ही गाढ़ा होगा, जिससे कि अगर हम इसमें आलू के बॉल डालें तो वो इसमें अच्छे से लिपट जाए, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी बेसन की। वड़ा पाव अपनी स्पेशल चटनी के बिना बिल्कुल अधूरी है, तो उसके लिए ले लेंगे थोड़े लहसुन और थोड़ी सूखी मिर्ची, थोड़ा मूँगफली और थोड़ी सी है नारियल के पाउडर। मूँगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करके फिर इसे निकाल लेते हैं और लहसुन और मिर्ची जो है ना सूखे वाले, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे भी निकाल लेंगे और कढ़ाई गर्म है, इसे ठंडा कर लें। अगर इस तरह से तेज गर्म में नारियल के पाउडर को डालेंगे तो नारियल पाउडर हमारा जल जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे कढ़ाई को, तभी नारियल को डालकर हल्का सा भून लेंगे। नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। सारी चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डालेंगे और उसमें डालेंगे बस नमक और साथ ही डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची और इसे दरदरा पीस लेंगे। इस चटनी को बिना पानी के ही ड्राई पीसेंगे, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला मिला लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। वड़ा पाव के लिए हमारी ड्राई चटनी बनकर तैयार है। अब आलू ठंडे हो चुके हैं और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको जितने बड़े बड़े बॉल बनाने हैं बस अपने ज़रूरत के अनुसार इसे बना लें। अभी ये और भी बड़ा हो जाएगा जब ये बेसन में लपेटेंगे और इसे फ्राई करेंगे तो ये और भी बड़े साइज़ का हो जाएगा, तो इतनी बड़ी साइज़ ना इनफ है। तो जितने बॉल बन रहे हैं एक बार में बना लेते हैं और उसके बाद अब इसे बेसन में लपेट लेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसन में डालना है और अच्छी तरीके से घोल में इसे मिला लेंगे, लपेट लेंगे यानी कि, और अब कढ़ाई में डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, बस जैसे हम लोग पकोड़े तलते हैं ना बस उसी तरह से इसे भी तल लेंगे। चम्मच से इस तरह उठाएंगे बॉल्स को और तेल में डालते चले जाएंगे। इसी तरह से जितने बॉल एक बार में आते हैं सारे बॉल्स को इसमें डाल देंगे। अब सारे बॉल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। अब ये बॉल बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अब इन सारे बॉल्स को निकाल लेते हैं। वड़ा पाव खाएं और इसमें मिर्ची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मिर्ची ले लेनी, इसे धो लेना है और थोड़ा सा इसका पानी सुखा लेंगे और बीच में इस तरह से सारी मिर्चियों में चीरा लगा देंगे और इन सारी मिर्चियों को गर्म तेल में डालकर इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। ये मिर्चियाँ बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, बस इधर बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इस तरह से कलर चेंज हो जाए, पक जाए, इसे निकाल लेंगे। मिर्चियों में भी डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब पाव ले लेंगे और इसे बस बीच से थोड़ा कट लगाएंगे,
किनारे एक किनारे से ये पाव जुड़ा हुआ रहेगा, बस थोड़ा सा इसी तरह से कट लगाएंगे। इसमें सूखी चटनी भी डाल देंगे। सूखी चटनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं चटनी को, थोड़ा मिर्ची और मिला लें। अब इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई मिर्ची और डाल देंगे एक वड़ा। तो लीजिए, हमारा मुंबई का फेमस वड़ा पाव बनकर तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से। इस बारिश के मौसम में वड़ा पाव को बनाकर फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। बच्चे हो या बड़े, सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।